तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई कंगना रनौत की तेजस का संघर्ष जारी है। फिल्म ने पहले दिन 1,25,00,000 रुपए की कमाई की थी, जिसे बेहद कमजोर माना गया। तेजस के सामने 12th फेल नाम की चुनौती थी। विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर इस फिल्म ने 1,11,00,000 रुपए की ओपनिंग पाई थी। दूसरे दिन तेजस की कमाई में कोई उछाल नहीं आया, मगर 12th फेल ने 127% का जंप मार दिया। पहले दिन टिकट खिड़की पर तेजस का लचर प्रदर्शन देखने के बाद कंगना रनौत ने एक वीडियो बनाया। इसमें उन्होंने लोगों से उनकी फिल्म देखने जाने की रिक्वेस्ट की, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तेजस ने दूसरे दिन भी 1,25,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया, जो कि नई रिलीज के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शुक्रवार से वीकेंड शुरू होता है, मगर शुक्रवार वर्किंग डे होता है। शनिवार और रविवार को छुट्टियां होती हैं, इसलिए शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल आना नॉर्मल बात है, मगर तेजस या कंगना रनौत दर्शकों को थिएटर्स में नहीं ला पाए। शुरुआती दो दिनों में इस फिल्म की टोटल कमाई अब 2,50,00,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं है कि लोग पिक्चर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि तेजस के सामने रिलीज हुई 12th फेल की कमाई ने दूसरे दिन लंबी छलांग मारी है। 1,11,00,000 रुपए से खुलने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन 2,50,00,000 रुपए का बिजनेस किया, जो कि 127% की ग्रोथ है। इससे 12th फेल का दो दिनों का टोटल कलेक्शन हो गया है 3,61,00,000 रुपए। विक्रांत मैसी स्टारर ये फिल्म अनुराग पाठक की बेस्ट सेलिंग नॉवल 12th फेल पर आधारित है। उम्मीद है कि तेजस रविवार को थोड़े बहुत उछाल के साथ 1,50,00,000 रुपए कमा सकती है। तेजस में कंगना रनौत के साथ अंशुल चौहान और आशीष विद्यार्थी जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म को सर्वेश मेवाड़ा ने डायरेक्ट किया है। वहीं 12th फेल तीसरे दिन एक और बड़ा जंप पाने की उम्मीद की जा रही है। रविवार को ये फिल्म 3,50,00,000 रुपए के आसपास कलेक्ट कर सकती है। इस फिल्म में विक्रांत मैसी के साथ प्रियांशु चटर्जी, पलक ललवानी, मेघा शंकर और हरीश खन्ना जैसे एक्टर्स ने काम किया है। 12th फेल को विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है। आपके लिए तमाम जानकारी लिखी थी मेरे साथी श्वेतांक ने। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त आलोक। मैं हूँ मनीषा। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी। आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। हो सकता है मतलब शायद मांग रहे हो टिकट, आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए? नहीं यार, प्लीज नहीं नहीं, वो भी चले भी नहीं, सिर्फ जो खाना। एक मिनट यार, एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओ, फिर चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जा करके कंसिडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरी। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये। यार ले दे के वही तुम्हारे इंदौरी, तो वही इंदौरी चले गई। राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।